ये दिन जनपद मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना और जानसर दो अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण होने जा रहा है। पूरे प्रदेश में मुजफ्फरनगर ही एक कहा गया है कि तलवारों की धारों पर और जिस और जवानी चलती है उस और साथियों भाजपा सौर मंडल सोरम के अध्यक्ष सुधीर सैनी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत पवार जी, पूर्व चेयरमैन जितेंद्र त्यागी जी, पूर्व प्रधान का निर्माण हुआ और उसके बराबर में 151 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज जब कोई बुढ़ाने से निकल के जाता है तो अपने क्षेत्र में जाके चर्चा करता है कि बुढ़ाने से निकल के आया हूं। मित्रों बहुत सारे आपके विचार सुनने के लिए, आपके दर्शन के लिए जितने लोग अंदर हैं, इससे भी ज्यादा बाहर सड़कों पर आपका इंतजार कर रहे हैं। माने मुख्यमंत्री भाइयों और बहनों की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि माने मुख्यमंत्री जी आप ही केवल इसे जनपद मारण प्रयास से विधायक जी के प्रयास से आज मुजफ्फरनगर को 2 फायर स्टेशन मिले हैं, कितनी जरूरत थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में ड्रीम प्रोजेक्ट में प्रदेश में अग्निशमन केंद्रों की स्थापना तहसील स्तर पर होनी थी, उस क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में 2 अग्निशमन केंद्र स्वीकृत हुए थे, बुढ़ाना और जानसठ, विधानसभा बुढ़ाना और विधानसभा मीरापुर। उसके तहत कार्यदायी संस्था CNDS यूनिट 7 मेरठ ने को ठेका मिला था। यूनिट भी बहुत अच्छा काम की, स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी सहयोग किया, हमें ज़मीन बड़े अच्छे जगह पर उपलब्ध हुई और खुद आप देख रहे हैं कि एक भव्य फायर स्टेशन का निर्माण हुआ है जो पूर्ण आवासीय सुविधा के साथ है, जिसमें हमारे कम से कम 40 से 45 कर्मचारी निवास करेंगे। अगल बगल के क्षेत्र को अग्निशमन केंद्र के खुलने से जो हमारी दूरी मुजफ्फरनगर से आता था, मैं 30-35 किलोमीटर तो बुढ़ाना था, इसके एरिया में अगल बगल के भी लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में हमें दूरी 50 किलोमीटर हो जाती थी, जिसको मैं अब कम से कम समय में पूर्ण करूंगा, क्योंकि हमारे अग्निशमन विभाग की यही उपयोगिता है कि जल्दी से जल्दी समय पर पहुँचे, क्योंकि अग्नि घटना को हमें रोकना है, क्योंकि अगर हम विलम्ब करते हैं तो आग फैल जाती है। इसलिए क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए स्थानीय प्रतिनिधियों की अपेक्षा के अनुरूप हमें संसाधन उपलब्ध हुआ और अग्निशमन केंद्र की स्थापना हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवबंद में ATS के शिलान्यास के साथ ही निर्मित अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण किया है, जिसके लिए हम लोग बहुत ही आभारी हैं और क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए सदैव दिन रात 24 घंटा तत्पर रहते हैं। केंद्र बना है आज मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, आज बुढ़ाने में अग्निशमन केंद्र बना है। बुढ़ाने से मुजफ्फरनगर की दूरी लगभग 30-35 किलोमीटर की थी, अगर कोई घटना दुर्घटना होती थी जब तक गाड़ियां पहुंचती थी जब तक सब कुछ जल के राख हो जाता था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ मल्टीनेशनल कंपनीज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा वातावरण हुआ है, हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं अग्निशमन केंद्र के कारण से उनके मानक पूरे ना होने के कारण से उनकी फैक्ट्री नहीं लग पाई। वो समस्या का समाधान हो जाएगा और जिस प्रकार से आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ATS का उद्घाटन किया और उत्तर प्रदेश में लगभग 50 से अधिक अग्निशमन केंद्रों का उद्घाटन किया। ATS के उद्घाटन से केवल सहारनपुर और देवबंद नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की आज उस उद्घाटन से आम समाज, आम जन अपने आप में सुरक्षा महसूस करेगा, आतंकवादियों को इस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से आज से लगभग 1 महीने पहले PSC का उद्घाटन कैरानी में किया था, पिछली सरकारों ने देवबंद कैराना जैसे जगहों पर ऐसा वातावरण पैदा किया था कि समाज के लोगों ने पलायन करना शुरू किया था। अब हमारे इस क्षेत्र का वातावरण ऐसा बनता जा रहा है, जो लोग पहले पलायन कर चुके थे
वो वापस अपने घरों में आ रहे हैं। बहुत ही विकास हुआ है, पुलिस बने हैं, ऐसा विकास करके दिखाया है कि जो दिल्ली और दूसरे देशों में गए हैं वो हमारे क्षेत्र में वापस आ रहे हैं। अच्छा विधायक जी, आपने कहा है कि यहाँ पहले जो नेता थे, मंत्री जी भी थे, वो सिर्फ डीलरों की राजनीति करते थे, कौन है क्या मामला? पहले के नेताओं के द्वारा डीलर प्रधानों का, आम जन का, साधारण लोगों का इतना उत्पीड़न शोषण हुआ है, इसलिए कभी भी इस क्षेत्र की जनता उनके माथे पर चावल नहीं लगने देगी। इस क्षेत्र की जनता ने संकल्प लिया।